इस वीडियो को करें अभी से लाइक। लाइक करने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के बटन को दबाएं। बटन को दबाने के बाद और हाँ, कमेंट करें आप किस राज्य और किस जिलों से बिलोंग करें, ताकि आपके राज्य और जिलों की हमें किसानों से जुड़ी हुई तमाम खबरें इस चैनल के माध्यम तक पहुँचाते रहेंगे। जी हाँ, राजस्थान यानी लंबे समय के बाद मेहरबान हुआ मानसान। आपको बता दें कि राजस्थान पर लंबे समय के बाद एक बार फिर से राजस्थान में मानसून सक्रिय होता दिखाई दे रहा है, यानी आज इन इलाकों में हुई बारिश और आगे कैसा रहने वाला मौसम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाई स्टेप दी जाएगी। लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर बीकानेर सफेद यानी पश्चिमी हिस्सों पर अभी ख़त्म नहीं हुआ अकाल का काल। आपको बता दें कि राजस्थान में इस साल बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से अब तक राजस्थान के पश्चिमी भागों में 13% कम की हुए हैं, जबकि बात करें हम पूर्वी राजस्थान में तो यहाँ पर 35% वर्षा कम दर्ज की गई। मानसून वर्षा यानी आपको बता दें कमी के कारण राजस्थान के पूर्व से लेकर पश्चिमी तक किसान और आम जन मानस तक अभी तक परेशान है, क्योंकि गर्मी अभी तक कम नहीं होने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर पश्चिमी जिलों में बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी समेत कई स्थानों पर आपको बता दें तापमान 40 डिग्री से या उससे भी ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी बीच राजस्थान के अधिकांश जिलों के लिए अगले एक हफ्ता तक अच्छे मानसून की खबर है। मानसून पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के शहरों पर सक्रिय हो रहा है। अनुमान है कि अगले कई दिनों तक इन क्षेत्रों में व्यापक वर्षा दर्ज की जाएगी। 31 जुलाई यानी कल राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी, जिसमें ये जिले शामिल हैं: चूरू, गंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, जालौर, प्रतापगढ़ कई समेत कई स्थानों पर वर्षा अच्छी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि 1 अगस्त को सवाईमाधोपुर से लेकर चूरू तक अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इन जिलों में अच्छी खासी आपको बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वी भागों में 2 अगस्त को अच्छी वर्षा होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी हिस्सों पर बारिश में कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन 3 अगस्त को दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में काफ़ी व्यापक वर्षा जारी रहने का नज़र यानी आसार नज़र आ रहे हैं। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सूखे का संकट अभी पश्चिमी राजस्थान में 4 अगस्त यानी आपको बताया कि 4 अगस्त तक फिलहाल मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। आपको बता दें कि बीकानेर व नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर सूखे का संकट यानी पश्चिमी राजस्थान में 4 अगस्त तक यानी फिलहाल मौसम सूखता आपको बता दें कि मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि इसी दौरान बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर समेत यानी पश्चिमी भागों में आंशिक रूप से बादल छाने और छिटपुट वर्षा होने समेत यानी आपको बता दें संभावना इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि दोपहर के बाद आपको बादलों का निर्माण होने के कारण यानी पश्चिमी जिलों इन जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालौर में जोधपुर इन जिलों में आपको शाम की टाइम आपको हालांकि छिटपुट बारिश देखने को इनकार नहीं किया जा सकता। इन जिलों में यानी शाम को छिटपुट बारिश हो सकती है। अगर भागों में 5 अगस्त के बाद मौसम कुछ बेहतर सुधार होने की संभावना है। आपको बता दें पश्चिमी जिलों के लिए आपको 5 अगस्त के बाद फिर अच्छी खबर के निकल आ रही हैं। 5 अगस्त के बाद मौसम में कुछ बेहतर सुधार होने की संभावना है, जबकि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर पश्चिमी भागों में अब कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की अपेक्षा की जा रही है। हालांकि आज शाम तक आपको नागौर में इन जिलों में अच्छी खासी पूर्वी नागौर में दक्षिण पूर्वी इन आपको इन भागों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। जाइल में डीडवाणा वे सीकर से लगे हुए कुछ झुंझुनू के इलाके इन जिलों में आपको आज शाम तक अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। चैनल पर नए तो भी सब्सक्राइब करें, पास में घंटे वाले बटन दबाएं। आपको राजस्थान से किसानों से जुड़ी हुई तमाम खबरें इस चैनल के माध्यम तक सही और सटीक जानकारी ऐसे ही मिलती रहेगी। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं राजस्थान से किस जिलों से बिलोंग करें। आपको समय उसमें ऐसे ही अपडेट दिए जाएंगे। धन्यवाद।